यीशु ने कहा अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, परमेश्वर के राज्य में एंटर करना चाहते हो, सबसे पहले बच्चों के समान बनो। यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए, कितने लोगों को पता है यीशु ने अपने चेलों के पांव धो दिए। क्यों धो दिए? इसराइल देश में घर के आगे आपको पता मटके रखे होते थे, जैसे काना गलील की शादी में भी 6 मटके पड़े थे, मिट्टी के मट होते थे और उन मटकों में पानी होता था। आज भी आप पहाड़ों में चले जाना, वहां पर एक घर के सामने एक मट रखा होता है, उसमें पानी होता है। क्योंकि पुराने टाइम में आजकल की तरह शूज नहीं थे और ना ही आजकल की तरह सड़कें थी। उस वक्त कच्ची गलियां, डस्टी एरिया, मिट्टी धूल थी। और जब कोई व्यक्ति सैंडल पहनकर, आपने देखा होगा यीशु ने भी बहुत सारे फिल्म में देखा होगा या आपने फोटोज में देखा होगा, सैंडल्स होते थे और जब कोई चलता था तो उनके पैर डस्ट से, मिट्टी से भर जाते थे। और यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ आखिरी भोज करने लगे, लास्ट सफर करने लगे, तो यीशु ने देखा कि चेलों ने पैर नहीं धोए, इनके पैरों को मिट्टी लगी है। तो प्रभु ने क्या किया? पानी लिया, कपड़ा लिया, चेलों के पैर धोना स्टार्ट कर दिए। चेले इस चीज से हैरान थे कि प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, मेरा मसीहा मेरे पांव धो रहा है। पत्रस ने कहा प्रभु मेरे पांव को तो धो ही रहे हो, मेरे सर को भी धो दो। और यीशु ने क्या कहा? जिसने नहलाया हो उसे सर धोने की जरूरत नहीं। यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए, मतलब कि यीशु ने मिट्टी को साफ किया। जीसस क्लीन द डस्ट फ्रॉम देयर फीट्स। मिट्टी को प्रभु ने साफ किया। मिट्टी को साफ करने का मतलब गंदगी साफ करने वाला काम किया। आजकल गंदगी साफ करने वाला काम कौन करना चाहता है? कोई नहीं। सबको स्टेज पे बैठना है, सबको चेयर पे बैठना है, उनको बोलो टॉयलेट साफ करने, ना ना मैं नहीं कर सकता, मैट बिछाने, मेरी ड्यूटी थोड़ी ना लगी हुई है, उदी ड्यूटी लगी है। कलिसिया को थोड़ा सा इस चीज के लिए सोचना है, जब आपका प्रभु गंदगी को साफ कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते?